नमस्कार और आदाब। सनीचर है आज जनवरी के 11 तारीख 2020। 7 दिन की खबरें आपके लिए हम पेश करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले ये नए साल में नया प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम है 7 दिन का, तो हम हर एक को ये नए साल की मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, खुशियाँ और खुशनसीबी और बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं इस नए साल 2020 के वास्ते। 7 दिन की खबरें आपके लिए, कुछ पिछले साल के खबरें भी हम आपको देना चाहते हैं, और ये है वेतलख के बारे में। एनपीएस का होप पस्तुशले 13 तारीख दिसंबर को इनको पुलिस गिरफ्तार किए थे, क्योंकि ये एक नाबालिग बच्ची का बलात्कारी किए थे। इनका जो राजमान वकील जो था बनी तोपिक, इनके रिहाई का मांग किए थे जज के पास, और ये मुकदमा में अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन जज ने ये मांग पर गौर किया है और इनको 24 तारीख दिसंबर को रिहा किया गया है। फैसला जज का क्या होगा ये बाद में जब यह मुकदमा फिर से पेश होगा तो हम आपको बताएंगे। फिरवरक आतिशबाजी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। पिछले साल 2019 में 67 सेफ एंड सस्ता कंटेनर फिरवरक इंपोर्ट हुआ है, सूरीनाम देश में लाया गया है। वैसे ये दुगना है 2018 से, अगर देखा जाए तो दो बार और ज़्यादा है, क्योंकि 2018 में 34% तक कंटेनर फिरवरक इंपोर्ट हुआ था। हमेशा की तरह 27 तारीख दिसंबर से लेकर जनवरी के 2 तारीख तक मौका है फ्यूरवैरक आतिशबाजी बेचने को, खरीदने को और जलाने को। ऐसा भी हुआ है और ये बताना भी हम आपको उचित समझते हैं कि फ्यूरवैरक स्लख्तोफर्श 2019 के वास्ते 10 तक 10 पर आकर पहुँचे हैं। 3 फ्यूरवैरक स्लख्तोफर्श जनवरी के 2 तारीख 2020 तक ये नोट हुआ है। नए साल के दिन एक लाश मिला था मुंडर के एक मकान में, मोहम्मद भग्गू का, 58 साल का एक आदमी जो है। पुलिस के खोजबीन से पता चला, परिवार के लोग ये बताए हैं कि पुराने साल के दिन ये आदमी नशे के हालात में सड़क पर लेटा हुआ था। इनके भाई इनको उठाकर घर पर ले गए हैं, वहाँ कुर्सी पर बिठा दिया, और अगले दिन नए साल के दिन ये उसी ही हालात में जैसे इनको बिठाया था वहाँ पर वापस मिला है, लेकिन इनका देहांत हो चुका था। वेट रे एंड फूर तर्खन बलास्टिंग के बारे में हम आपको भी बताना चाहते हैं। आपको पता है कि जनवरी के पहली तारीख 2019 से ये वेट ये कानून लागू था। हर एक जो एक गाड़ी या ब्रोमफिट्स के साथ सड़क पर आते थे, ओपन बार बैक पर आते हैं, उन लोगों को ये रे और फूर तरह ब्लास्टिंग भरना था, लेकिन बहुत से लोग ये रे एंड फूर तरह ब्लास्टिंग जो है नहीं भरे है। समाज के अंदर से, मतलब जनता जो है, ये सब इस पर कटास की है, लोग इससे सहमत नहीं थे, इससे खुश नहीं थे। बहुत से लोग भरे हैं, लेकिन कुछ तादाद में लोग हैं जो ये रे एंड फूर तरह ब्लास्टिंग नहीं भरे है। अब ये कहा गया है एक वर्क ग्रुप ठहराया गया है, ये कायम हुआ है, और ये सब राय को तफवीज दिए है। सरकार ये फैसला किया है ये रे एंड फूर तरह ब्लास्टिंग इसमें कुछ बदलाव लाने के लिए। वैसे ये भी पता है आपको कि अगर आप रे एंड फूर तरह ब्लास्टिंग पिछले साल नहीं भरे है तो आपको कोई सज़ा नहीं मिले है, क्योंकि पुलिस के लिए कोई ऐसा कानून में नहीं लिखा गया है कि कैसे सज़ा देना है और कौन सी सज़ा लोगों को मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों में बदलाव आएगा, और ये अब कहा गया है कि 2021 इन यानिवारी 20 से हर एक जिनके पास एक रे या फोर तरह है गाड़ी है ब्राउनफिट से, और इसके साथ ओपन बार वैक पर आप आएंगे, तो आपको कानूनन ये ब्लास्टिंग भरना है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको सज़ा हो सकता है, या आपको डाढ़ भरना पड़ेगा, बूटा आपको भरना पड़ेगा। वैसे हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 2019 में जो लोग ये रे एंड फूर तरह ब्लास्टिंग भर चुके हैं, उन लोगों को इस साल 2020 के लिए अब पैसा नहीं भरना है, लेकिन जितने लोग नहीं भरे हैं उन लोगों को जाकर ये ब्लास्टिंग भरना चाहिए। 2021 से कानूनन हर एक को ये ब्लास्टिंग भरना चाहिए। पेशतर कहा गया था कि 10 कहा गया था कि 10% 3% ये पैसा का, ये ब्लास्टिंग का, ये सड़कों के मरम्मत में लगाया जाएगा, लेकिन मिनिस्टर हुफ्तराद फिनांसियर का मिनिस्टर अब ये कहे हैं कि पूरा रकम जो अंदर आएगा ये सड़कों के मरम्मत के लिए लगाया जाएगा, इसमें लगाया जाएगा।
अमेरिका का अखबार फाइनेंशियल टाइम्स इसी हफ्ता में ये खबर बाहर लाई है कि सुरीनाम देश जितना कर्जा लिए है ये कर्जा वो चुका नहीं पाएगा, वापस नहीं भर पाएगा। सुरीनाम देश 6 में से एक देश है जिसका नाम अखबार में लिया गया है और सुरीनाम का देश पहली मतवा सुरीनाम देश का नाम जो है साफ तौर पर लोग लिए है ये कहकर कि ये पैसा जो है कर्जा का सुरीनाम देश नहीं चुका पाएगा। और देशों जो इसमें जिसका नाम लिया गया है ये है अर्जेंटीनिया, इक्वाडोर, लिबानॉन, कामरून, पापुआ न्यू गिनीया। ये तमाम देशों जो है बताया गया है कि इन लोगों के देशों में काफ़ी मुश्किलात हैं और पैसा ये सब अदा नहीं कर पाएंगे और इसका असर होगा देशों पर, सुरीनाम देश पर भी असर होगा। अगर सुरीनाम देश अब कर्जा लेना चाहेगा बाहर देश में, विदेश में, तो ये कर्जा लोग नहीं ले पाएंगे। और आपको ये पता है कि पिछले दिनों में कई ऐसे 51 मिलियन यूएस डॉलर का लेनिंग कर्जा सुरीनाम देश लिए है और सुरीनाम देश जो कर्जा लिए है कर्जा अभी तक नहीं चुकाया गया है, लेकिन जो आमदनी है सरकार को अंदर आना चाहिए कर्जा चुकाने के लिए, कोई आमदनी भी नहीं है और ओवरहेड्स अविधावन जो है खर्चा जो है सरकार का ये दिन पे दिन बढ़ता जाता है। वैसे कोई कदम भी नहीं उठाया गया है आमदनी अंदर लाने के लिए और अगर कदम उठाया गया है तो इसमें भी लोग सफल नहीं हुए हैं। IMF पेशतर भी राय दे चुके थे, अपवीस दिए थे कि सब्सिडीज जो है इसे निकाल देना चाहिए या कम कर देना चाहिए, खासतौर पर ब्रॉन्ज स्टॉफ पर और इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रोम पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और ये भी IMF इंटरनेशनल मोनिटर फंड्स कहा था कि ये आमदनारा अपराध है, इसे सानेर करना ज़रूरी है, लोगों को इसमें से निकालना चाहिए और कम करना चाहिए, तादाद जो है आमदनारन का कम करना चाहिए, लेकिन इस पर भी गौर नहीं हुआ है। बीते हुए सोमवार को एक ऐसा भयानक खबर इलाका सारामाका से आई है कि 2 लाशें मिला है डॉक्टर ए कोखवेख सारामाका, इलाका सारामाका में एक मर्द और स्त्री दोनों के जो लाश मिला है, एक परिवार ने जा वहाँ पर गए हैं तो ये लाशों देखे हैं, पुलिस को तार किए हैं, ये पता चला है अब तक की खोजबीन से कि इन दोनों का कत्ल हुआ है। इन लोग दोनों के बदन पर, शरीर पर काफ़ी निशान था कि इन दोनों पर हमला हुआ है, इन लोगों को घायल किया गया है और दोनों का गला जो है काट दिया गया था, ऐसे इन दोनों के देहांत हुए हैं। और ये दोनों का नाम सनी कारताजा फीरन तख्तख यार का बुजुर्ग आदमी जो है और इनकी बीवी पाइना पाइमो द्रियन तख्तख यार का। दोनों लाशों जो है पुलिस खोजबीन के दौरान कब्जे में लिए थे लेकिन अब परिवार को दी गई है और इन दोनों का तदफीन की गई है, इन दोनों का तदफीन की गई है आज शाम को इन लोगों का तदफीन हुआ है। ये मामला में पुलिस अभी तक खोजबीन कर रहा है, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है किसने ये काम किया है। फरगेज 2 दिन के बारे में हम बात की है जिन लोगों का देहांत यातायात में हुआ है, तो मैं आपको बता दें कि पहला फरगेज 2 दिन इस साल के वास्ते एक स्त्री है, इनका हादसा पुराने साल के दिन और यारस्ता हुआ है, जो एक जबरदस्त हादसा दो बस गाड़ी के साथ मुंगो के आसपास में हुआ है इलाका मारवेन में। ये बुरी तरह से घायल हुए थे और उसके बाद इस साल में 2020 में ये स्त्री का देहांत हो गई है और ये एर्स्त फरकेज 2 दे, पहला फरकेज 2 दे इस साल के लिए। त्वेद फरकेज 2 दे एक ब्रॉमफिट्सर कैनेट कायरो 36 साल का ससन 30 यार का, एतवार को इनका हादसा हुआ है एक पर्सोन ऑटो से क्लेन बादर स्त्राफ में। 38 साल का एक स्त्री एक ऑटो बस्तूदर एन वे जाकर इनसे टकराया है क्योंकि रेह दौर खान फरकेर जो ब्रॉमफिट्सर रेह दौर खान फरकेर था इस पर गौर नहीं किए है, इसको फोरंग नहीं दिए है, जाकर इनसे टकराया है। ये ब्रॉमफिट्सर पर जो कैनेट कायरो था ये बुरी तरह से घायल हुए थे और वहीं पर इनके देहांत हो गए है। ये स्त्री जो है इनके पास एक ख्याल सुरीनाम से रेबवेस तो था लेकिन रेबवेस पुलिस अब ले लिए है, पुलिस कब्जे में ले लिए है और गाड़ी और ब्रॉमफिट्स दोनों हेयर क्योरिंग के लिए पुलिस भी कब्जे में ले लिए है।
Derde verkeersdoze, dode tisra shab jun ke dehant yatayat verkeer mein hadsa se hua hai. Ye 18 saal ka Shakil Pichot hai. Shakil Pichot ka jo hadsa hai ye bhi pichle saal December ke 13 tarikh ko Quatabekh par hua hai. Lagbhag subah mein 1:45 baje ek gaadi Mundarbakh ke aas paas jaakar inse takraya tha. Inko piche se dhakka lagaya hai aur wahan se chala gaya hai. Pichot jo hai buri tarah se ghayal hue the. Inko hospital mein intensive केयर में लोग दाखिल किए थे इलाज के वास्ते, लेकिन इस साल 2020 में इसका देहांत हो गया है और ये दर्द फरकेश दौद तीसरा फरकेश दौद है इस साल 2020 के वास्ते। फरकेश बारो में इधर हम आपको ये भी बता दें, पिछले साल 2019 को ये 80 पर आकर रुके हैं, मतलब पिछले साल 2019 के वास्ते तख्त फरकेश दो दिन थे। ये खबर जिसके बारे में काफ़ी लोग बातचीत कर रहे हैं, ये बाहर आई है इस हफ्ता भी कि सुरीनाम देश में आर्थ ओली मिला है। सुरीनाम देश में तेल मिला है और ये अपाची कॉरपोरेशन जो है ये कई दिनों से इस तेल के तलाश में थे और अब वास्तव में तेल मिला है। ब्लॉक 8 और 5 तक में खोजबीन करने के बाद, बोरिंग करने के बाद, एक्सप्लोरासी के बाद ये तेल मिला है और ये पता चला है कि काफ़ी ज़्यादा तेल है। और ये जो तेल मिला है इसके बारे में सात्स ओली का डायरेक्टर कहते हैं कि वो ये ज़रूर चाहते थे कि सुरीनाम देश ये तेल मिलने से पहले इस बारे में गुफ्तगू कर लेते कि कैसे और क्या करना है, कौन से कदम उठाना है और क्या होगा अगर ये तेल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये डिस्कशन जो है, ये चर्चा जो है, ये अब बाद में हो रहा है, लेकिन इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। वो उम्मीद करते हैं कि लोग समझदारी से काम करेंगे, समझदारी से जो भी फैसला लोग लेंगे समझदारी के साथ काम करेंगे, जिससे देश का फ़ायदा होगा और जनता का भी फायदा होगा। ये तेल जो मिला है इसी सिलसिले में ये भी बताया गया है कि अपाची कॉरपोरेशन का जो आंदोलन है विदेश में ये 97% से चढ़ गया है, इसका कीमत और बढ़ गया है। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध जो है ये जब ऐलान हुआ है कि तेल मिला है, ये कहा है कि हर एक को अपना दिमाग ठंडा रखना है, सभी को पॉजिटिव रहना चाहिए और एक साथ मिलकर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है और क्या होगा, कैसे आगे लोग काम करेंगे। ये एलियास जो स्टार्स ओली का डायरेक्टर है ज़रूर कहा है कि ये तेल को मिल जाने से सुरीनाम देश का इकोनॉमी जो है इसमें काफ़ी बदलाव आएगा, काफ़ी सुधार आ सकता है, क्योंकि यह पहली मतवा है कि इतना ज़्यादा तेल मिला है तो सुरीनाम देश का जो इकोनॉमिक हालात, आर्थिक स्थिति जो है इससे काफ़ी बदलाव, काफ़ी सुधार इसमें आ सकता है। 19.5 मिलियन यूरो के बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं। हम आपको बताए थे कि रेख बैंक नॉर्थ हॉलैंड का अपना फोनस सुनाए है, फैसला सुनाए है और ये कहा है इस फोनस में कि यह पैसा जो है सुरीनाम देश को वापस करना चाहिए, लेकिन अभी तक यह पैसा वापस सुरीनाम देश को नहीं मिला है। हॉलैंड का ओपनबार मिनिस्ट्री जो है होखरात के पास ये होखर बरूप में गए हैं, होखर बरूप दस्तखत किए हैं, क्योंकि ये सब का मानना है कि ये फोनस से ये सब सहमत नहीं है और 2 हफ्ते का मोहरत इन लोगों को था होखर बरूप में जाने के लिए और जैसा लोग सोच रहे थे वैसा हुआ है। आखिरी दिन, ये 2 हफ्ते के आखिरी दिन में ये होखर बरूप लोग दस्तखत किए हैं और मतलब ये है कि बसलाह जो है जो पैसा कब्ज़ा में लिया गया है अभी सुरीनाम देश में वापस नहीं आए हैं और जब तक ये मुकदमा चलेगा ये वापस नहीं आएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ सुरीनाम, हाकरिंग बैंक, द सुरीनाम सबांग और फिना बैंक का पैसा जो था इन लोगों पर भी इल्ज़ाम हॉलैंड की तरफ से लगाया गया था कि ये गलत पैसा है, काला धंधा का पैसा है, मतलब गलत तरीका से कमाया हुआ, बेकानूनी तरीका पर कमाया हुआ पैसा है और इस पर लोग भी मुकदमा चलाए थे ये बदनामी अपने नाम से हटाने के लिए। ये इसमें अभी तक फैसला कुछ नहीं आए है, लेकिन अभी तक इसमें फैसला सुनाना चाहिए, लेकिन जो पैसा है जो अभी तक के कब्ज़े में लिया गया है या अभी तक हॉलैंड देश के कब्ज़े में है ये सुरीनाम देश भी नहीं आए हैं। वैसे
जो ये होकर बरूक हॉलैंड का ओपनबार मिनिस्ट्री दस्तखत किए हैं, लोग चाहते हैं कि ये फोनस जो है ये खारिज किया जाए, फर्नीतक किया जाए, क्योंकि लोग इससे सहमत नहीं है। इसमें फैसला होकर बरूक के होकर रात की तरफ से क्या होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। एंडी बिस्वान 31 साल का आदमी अपने 23 साल का एक्स पत्नी को इसको वो इस पर चाकू चलाए हैं और इस पर वार करने के बाद ये एक टैक्सी में बैठे हैं, वैदन बॉसब्रुख के पास गए हैं और गाड़ी से निकलकर पानी में कूद गया है। पुलिस इस मामले में खोजबीन किए हैं और ये अब पता चला है कि ये स्त्री जिन पर वो वार किए हैं, इनके एक्स फ्रॉ जो है इसको हॉस्पिटल में लोग दाखिल किए इलाज के वास्ते, और इसका लाश जो है एंडी बिस्वान का लाश कल सुबह को पुलिस पाए है और ये पानी से निकाला गया है। एक और लाश मिला है फिर केंद्र वह में, यह है बीफे के शाम को लाश मिला है फिर केंद्र बैग के नली में। पुलिस खोजबीन कर रहा है, ये लाश जो है पूरी तरह से ख़राब हो गए थे। पुलिस वोट फूर्दर हम्फ्री नार्दन होफ इंस्पेक्टर फॉन पुलिस कहते हैं कि एक मर्द का लाश है और पुलिस जो है संतो दौरव का इसमें खोजबीन कर रहा है। ये नहीं पता है इनका कत्ल किया गया है या यूँ ही ये नली में गिर गया है और इसका देहांत हो गया है, इस पर खोजबीन हो रहा है। पुलिस एक स्त्री को गिरफ्तार किए है। ये स्त्री को इसलिए गिरफ्तार किए क्योंकि पिछले हफ्ता बीफे को ये एक गिरजाघर जो खैर फ्लैट में है, एक कैरक खबो खैर फ्लैट पर, यहाँ पर इसके सामने एक 3 साल का लड़का, एक छोटा बेबी जो है वहाँ पर छोड़कर चले गए थे। ये पिछले हफ्ता एतवार को हुआ है और बीफे को पुलिस इस स्त्री, इस औरत 28 साल का एम का जो माँ है इस बच्चा का, इसको गिरफ्तार किए हैं। पुलिस इनके बयान लेने के बाद इनको घर भेज दिए हैं। इन्होंने अपने बयान में बताया कि लड़का ये बच्चा को वहाँ पर वो छोड़ दिए थे क्योंकि इन्हें पता था कि जल्द में लोग इन्हें ये मिल जाएगा लोगों को जल्द में और इनका लोग देखभाल करेंगे। पुलिस ये बच्चा को ब्यूरो रख्तलक साकन के हवाले किए हैं, वहाँ पर इनका देखभाल हो रहा है और कोई कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। इनको सजा मिलेगा, माँ को सजा मिलेगा या नहीं ये अभी तक नहीं पता है। इस मामले में अभी पुलिस ना खोजबीन कर रहा है। प्रेसिडेंट देसी बाउटर्स जो है जो फोर द्रख्तन कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ में बैठक लेने के लिए किया गया था एनडीपी फ्रक्सी के जरिए, इसे स्वीकार किया है, इससे वो राजी हुआ है और बनूमिंग्स प्रोसीड्यूर जो है ये भी शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट बाउटर्स जो है फोर्सेदर असम्बली का सभानेत्री जो है यानफर हेलिंग सीमंस को ये बता चुके हैं कि वो सहमत है एनडीपी की फोर्थ रख्तन के साथ और ये बनूमिंग्स प्रोसीड्यूर शुरू हो गया है। ओपोसिटी जो है ये सब भी कुछ फोर्थ रख्त किए थे, कुछ लोगों का नाम लिए थे जो लोगों को ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ में बैठक लेना चाहते बैठाना चाहते थे कि ये सब बैठक ले इसमें, लेकिन इस पर गौर नहीं हुआ है। ये कहा गया है कि यह फोर्थ रख्तन ओपोसिटी का जो है ये देर से लोग एंडिंग किए हैं, इसलिए इस पर गौर नहीं हुआ है। फोर द्राफ्टन जो है एनडीपी का एनडीपी फ्रक्सी की तरफ से जेमी कस्दीपो भी जोयो ये फोर शेतर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ का फोर द्राफ्ट इन्हें हुआ है, इन्हें फोर शेतर बनाने को, और ये फरवरी में प्लाट्स फॉर फंगन लिथ हुआ है हॉफ फन यूस्टिसी का ऑफिसर फन यूस्टिसी ग्लोरिया तारख स्टेरलिंग ये इनको फोर्द्रा हुआ है ओंदर फोर्सेटर बनने को। लेदन रहेगा यूरेस्टन अनुराधा रामोदार अकाओ महदा फेनोक्स हुफर और माया फोके मनोहर प्लाट्स फॉर फंगन लेदन रहेंगे लेस एनडीपी फ्रक्सी का इस पर यूरेस्टन रिनेटो जोकार्टो बिन सोयो और जॉर्नेल फिंक वॉलक इन सभी का नाम लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ में बैठक लेने के वास्ते, फोर्सेटर ओंदर फोर्सेटर लेदन और प्लाट्स फॉर फंगन लेदन। ये आखिरी खबर आज साथ ही। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा।